में भाई आपका हमारे अशरफ अली। क्या हुआ भाई? अभी अभी कार सीख रहे थे वो लोग आके। कौन सीख रहे थे कार? दो बच्चे चला रहे थे। कहाँ पर? चंदूलाल बारादरी कॉलोनी जी, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और सीख रहे थे, एकदम पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी, वो देख के लोग हैबत खा के एकदम ब्रेक मारने का स्टेजिंग से रेस कर दिए सर। बच्चे माइनर थे या बड़े थे? बड़े थे। मेरी दुकान भी थी वहाँ पे, कंप्लीट शटर वगैरह पूरा कंप्लीट डैमेज हो गया और पूरा उसका फुटपाथ भी डैमेज हो गया। और कौन थे अंकल गाड़ी में? कौन थे गाड़ी में? चला रहे थे वो? दो बच्चे चला रहे थे, एडल्ट ही थे दोनों भी। अब पता उनके पास लाइसेंस है नहीं है, नहीं मालूम। अभी पीएस में बैठे हैं, बोले कहा मटिया पीएस में है। कंडीशन कैसा था? नशे की हालत में थे नहीं, नॉर्मल थे? मेरी नज़र नहीं पड़ी उनके पर, नहीं देखा मैं उन लोग को। और हम अंदर से आके वो गाड़ियाँ देखे देखे थे, उनको बिठा लेके चले गए पीएस में। अब वहीं है वो लोग अब। और सबसे अच्छी चंदूलाल बारादरी कॉलोनी है ये, और यहाँ पे आए दिन कामाटीपुरा पीएस आता है इसको। और दुकान अच्छा किस्मत की बात ये रही कि दुकान बंद थी, अगर दुकान चालू होती तो फिर किसी कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। फिर लोग तो प्रॉपर्टी डैमेज हुई और टू व्हीलर्स वगैरह डैमेज हुए। और ये अभी एक घंटा डेढ़ घंटा हो रहा करीब करीब। स्पीड ज़्यादा थी, तेज़ रफ्तारी में। हाँ पता नहीं, हम तो घर में थे, अंदर थे घर में, बस आवाज़ सुन के बाहर है हम। कैमरे वगैरह है? सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है यहाँ पे, कैमरे वगैरह ये बिल्डिंग में पता नहीं है, नहीं है कैमरा, काम कर रहा है नहीं वो भी नहीं मालूम, कैमरे तो नहीं लगे। पुलिस वाले आए, हाँ जब भी थे पेट्रोलिंग पे थे पुलिस वाले यहाँ पे, जब भी वो लोग फिर उनको सब फोटोज लेके करके बिठा लेके वो लोग को फिर पीएस चले गए। और फिर बाद में फिर वहाँ से पीएस से भी गाड़ी आई आके फिर पूरा वो लोग भी पूरा इंक्वायरी वगैरह चेकिंग वगैरह पूरी करे। और आपकी है? जी मेरी दुकान है वो, किराना स्टोर है, किराना प्लस जनरल स्टोर है। और बंद थी, किस्मत की बात अच्छी रही, अगर वरना कुछ जानी नुकसान भी हो सकता था अगर खुली होती दुकान तो। मेरी एक गाड़ी थी खड़ी पार्क करी थी जी, वो डैमेज हो गई सब के, इनके शटर को, इनके दुकान के शटर में घुस गई जी। तो मैंने तो गाड़ी थी आपसे पीछा गाड़ी। आपका नाम भाई? मोहम्मद सरफराज हुसैन। आपका मकान कहाँ पर है? चंदला बारादर में, वहीं पर घर के सामने, फ्लैट के सामने गाड़ियाँ पार्क करे, मेरी भी पार्क करेंगे। कंप्लेंट दी आप भी? अभी आए ना कंप्लेंट देने के लिए, कामाटीपुरा। दुआ भी तकदीर बदल देती है, जब है समाधान तो क्यों हो परेशान। सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान, हर समस्या का समाधान, तो अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और लाभ उठाएं। बाबा सुल्तान पाशा। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था, घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है, और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया, मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था, हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाबा की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरा बिजनेस कांटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था, फिर मैंने बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया, आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। 400% प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बाबा सुल्तान पाशा। कॉल नाउ 8796276786।